यह सिर्फ पांच उंगली का खेल है। आप सुनते होंगे CAA, NRC, NPR और सोचते होंगे ये खेल क्या है, इतने सब शब्द हैं, समझ नहीं आता। वैसे बड़ा साधारण सा खेल है, मैं आपको समझा देता हूं। ये सिर्फ पांच उंगली का खेल है। पांच उंगली की यात्रा समझ लीजिए, ध्यान से समझिएगा और फिर समझाइएगा भी दूसरों को। ये यात्रा शुरू होगी सबसे छोटी उंगली से। बड़ा साधारण सा काम होगा। अप्रैल के महीने में आपके घर कोई आएगा, सरकारी कर्मचारी, हो सकता है स्कूल के टीचर कोई आए, कहेंगे हमें आपके घर सिर्फ गिनती करनी है कितने लोग रहते हैं। बस नाम पूछेंगे, कब पैदा हुए ये पूछेंगे, ये भी पूछेंगे कि आपके माता पिता, चाहे हैं या नहीं है अभी, वो कहां पैदा हुए थे, कब पैदा हुए थे। आधार कार्ड का नंबर मांगेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस मांगेंगे, कोई प्रमाण नहीं मांगेंगे। उस वक्त आपको लगेगा छोटा सा मामला है। ये छोटी उंगली का पहला कदम ये है, NPR वाली छोटी सी उंगली। फिर दूसरी उंगली, ये D वाली उंगली है। D क्यों? क्योंकि आपके घर से जब एक बार ले जाएंगे लिख के, उसके बाद तहसीलदार के दफ्तर में, किसी सरकारी दफ्तर के अंदर, कुछ टाइम बाद, हो सकता है कुछ महीने बाद, चुपचाप से उस लिस्ट का मूल्यांकन किया जाएगा और कोई सरकारी कर्मचारी उस लिस्ट में कुछ नामों के आगे D लिख देगा। D का मतलब डाउटफुल, डाउटफुल का मतलब संदेहास्पद, जिस पर शक है। किस बात का शक है? कि ये भारत के नागरिक दरअसल है नहीं। भाई कैसे फैसला होगा? कानून में कहीं नहीं लिखा, कैसे फैसला होगा? हो सकता है आप अपने माता पिता की आयु नहीं बता पाए हो, कहां पैदा हुए हैं नहीं बता पाए हो, हो सकता है आधार कार्ड आपके नाम से इशू हो लेकिन आपके पास नंबर ना हो, कुछ भी हो सकता है। किसी भी आधार पे D लगा दिया जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा, कोई आपसे पूछने भी नहीं आएगा। और मामला तीसरी उंगली पर पहुंच जाएगा। ये तीसरी और बड़ी उंगली है, ये है NRC वाली उंगली। जिन लोगों के नाम के आगे D लगा होगा, समझ लीजिए आपके मोहल्ले में 500 लोग हैं, 1000 लोग हैं, उनमें से 50 के नाम के आगे D लग गया, उन 50 लोगों को चिट्ठी आएगी। पूरे परिवार में नहीं, हो सकता है परिवार में बहू को चिट्ठी आए, बेटे को ना आए, बाप के नाम चिट्ठी आए, पोते के नाम चिट्ठी ना आए, कुछ लोगों के नाम चिट्ठी आएगी और उन्हें कहा जाएगा, नोटिस दिया जाएगा, अब आप साबित कीजिए कि आप भारत के नागरिक हैं। कैसे साबित करेंगे? सरकार ने आज तक नहीं बताया है। हमारे पास सिर्फ एक असम का उदाहरण है जहां पहले हुआ है NRC, और वहां क्या हुआ था? ना आधार कार्ड माना गया, ना राशन कार्ड माना गया, ना वोटर लिस्ट में नाम माना गया। कहा नहीं, ये सब नहीं चलेगा, आप प्रमाण लेके आइए कि आप कहां पैदा हुए थे, आज से 30 साल पहले वोटर लिस्ट में आपका नाम था कि नहीं था, पुरखों का नाम था कि नहीं था, कोई संपत्ति का प्रमाण पत्र लेके आइए। साधारण लोग कहां से जुटाएंगे प्रमाण पत्र? इसके आधार पे उनमें से कुछ लोगों ने, जो आप अपने प्रमाण पत्र नहीं दे पाएंगे, उनका मामला चौथी उंगली पे पहुंच जाएगा। ये चौथी उंगली है फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल की। यानी कि कहा जाएगा उस 50 में से, समझ लीजिए 10 लोग बच गए जो प्रमाण नहीं दे पाए, जिनके पास कागज नहीं है, 15 लोग बच गए, उनको कहा जाएगा अब आपको आखिरी मौका दिया जा रहा है। ये उंगली आखिरी मौके की उंगली है, आखिरी मौका दिया जा रहा है। फॉरेनर ट्राइब्यूनल है, विदेशियों की अदालत है, अब उसमें जाके आप साबित कीजिए कि आप विदेशी हैं कि नहीं। अगर मुसलमान हैं तब तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि यहां अब CAA का खेल शुरू हो जाए। अगर मुसलमान हैं, आपको विदेशी माना गया है, तो अब आप तो विदेशी हैं ही हैं, चाहे आपके बाप दादा यहां पे 500 साल से, 1000 साल से रहते आ रहे हैं। अगर मुसलमान नहीं भी हैं, तो पता है क्या है, आपको ये साबित करना पड़ेगा कि आप बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आए। अब आप सोचिए, बिहार यूपी में रहने वाले लोग, नेपाल की तराई में रहने वाले लोग, श्रीलंका में रहने वाले लोग, श्रीलंका के पास तमिलनाडु में रहने वाले लोग, कहां से साबित करेंगे भाई कि हम पाकिस्तान से आए, बांग्लादेश से आए, अफगानिस्तान से आए? फॉरेनर ट्राइब्यूनल में अगर साबित आप नहीं कर पाए, जो लोग भी साबित नहीं कर पाए, वो लोग विदेशी घोषित हो जाएंगे और मामला अब चौथी उंगली से अब अंगूठे पे पहुंच जाएगा, अंगूठे तले दबने वाला। ये है डिटेंशन सेंटर। डिटेंशन सेंटर का मतलब जेल, विदेशियों के लिए बनी हुई खास जेल।
भारत सरकार इसके नियम बना चुकी है। डिटेंशन सेंटर आसाम में बन चुका है, कर्नाटका में काम करना शुरू कर चुका है, बाकी 10 राज्यों में बन रहे हैं डिटेंशन सेंटर। जिस व्यक्ति के पुरखे पता नहीं कब से यहां पे रहते आ रहे होंगे, उसे अपनी ही मिट्टी में विदेशी बना के डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाएगा। ये है खेल, शुरू होगा छोटी उंगली से, एनपीआर से, और खत्म होगा कुछ लोगों के लिए, हो सकता है 1000 में से एक लोग, हो सकता है 1000 में से दो लोग डिटेंशन सेंटर में बने। क्या ये चाहते हैं? अगर नहीं चाहते तो इसे रोकने का एक ही तरीका है। ये 5 उंगली का खेल कैसे रुकेगा? जैसे ही पहली उंगली मोड़ने की कोशिश हो, आप 5 उंगलियां कर लीजिए बंद, मुट्ठी लीजिए कस और उठा दीजिए अपना हाथ। विरोध करना होगा, यानी कि जब पहली उंगली उठे एनपीआर वाली, एनपीआर का बायकॉट करना होगा। पूरे देश में जो नागरिकता संशोधन के बारे में आंदोलन चल रहे हैं, उन सब ने मिलकर कॉल दिया है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो देश के 120 से ज्यादा संगठनों ने इकट्ठा होकर बनाया है, सबने कहा है कि एनपीआर का बायकॉट करें। यानी कि जब आपके घर में कोई टीचर आए, कोई सरकारी कर्मचारी आए एनपीआर का डेटा लेने, प्यार से बात कीजिए, इससे बुरा बात करने की जरूरत नहीं। पानी पिलाइए, चाय पिलाइए, नमकीन भी खिलाइए, नमक खिलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये संविधान का नमक खाते हैं, याद दिलाना है। ये कर्मचारी इस देश के कर्मचारी हैं, किसी पार्टी के नहीं है। सब कुछ दीजिए, प्यार से कीजिए, लेकिन कागज नहीं लिखवाएं, कागज में कोई सूचना नहीं दें, क्योंकि एक बार सूचना दी फिर मामला आपके हाथ से बाहर। कागज नहीं लिखवाएं, और अगर वो कहें कि ये तो कानून है आपको करना पड़ेगा, उन्हें प्यार से कहिए, मास्टर जी आपकी बड़ी इज्जत कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, महात्मा गांधी की इज्जत थोड़ा ज्यादा कर रहे हैं। इस देश के राष्ट्रपिता ने कहा था कि अगर कोई असंवैधानिक अन्यायपूर्ण कानून है, उसका विरोध करना हमारा अधिकार ही नहीं, हमारा कर्तव्य भी है, हमारा हक भी है, हमारा फर्ज भी है। इसी रास्ते पे हमें चलना होगा। याद रखिए, हम संविधान बचाने नहीं, एक हाथ में तिरंगा, दूसरे में संविधान, मन में अहिंसा और जनगण मन का गान, इसी रास्ते पे हमें चलना है। ये लड़ाई में हम लड़ेंगे और निश्चित जीतेंगे।